बच्चों आपके अपने चैनल विद्या जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नवोदय विद्यालय में पूछे गए मॉडल पेपर सेट नंबर 2। ठीक है बच्चों, कौन सा सेट है? सेट नंबर 2, मानसिक योग्यता परीक्षण। खंड 1 है क्या? मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो चलिए फिर बच्चों देखते हैं भाग 1। निर्देश क्या दिया है बच्चों? पहले चलिए निर्देश को पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उमार उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको जो ऑप्शन सही लगे उसको क्या करना है, ब्लैक कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है बच्चों, आपको उसमें बताना है तीनों में सॉरी बच्चों चारों में से कौन सा भिन्न है। पहले क्या है बच्चों, बॉल है, उसके बाद क्या है, किल है, फिर क्या है बच्चों, सारस या आप कह लीजिए या तो सारस है, फिर क्या है, चारपाई या स्टूल। तो देखिए बच्चों क्या है, बॉल भी निर्जीव है, किल भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, लेकिन जो ये पक्षी है क्या है बच्चों, सजीव है। तो तीनों क्या है, निर्जीव है, ये सजीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये क्या है बच्चों, आयत है, इसको और भी कह सकते हैं इसको, और ये क्या है, चतुर्भुज है बच्चों। देखिए इसमें भी 4 भुजा है, इस वाले में भी 4 भुजा है, इस वाले में भी 4 भुजा है, और इस वाले में भी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है बच्चों, 3 भुजा है, 3 त्रिभुज है, 3 कोने हैं। तो क्या है, तीनों से क्या है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों 3 क्या दिया है, ये भी पत्ती है, ये भी पत्ती है, और ये भी क्या है बच्चों, पत्ती है, लेकिन ये क्या है बच्चों, फूल है। तो क्या है, तीनों पत्तियां हैं, ए बी सी, ए बी और डी, और सी क्या है हमारा, फूल है। तो ऑप्शन नंबर क्या, तीनों क्या है बच्चों, इस सी हमारा क्या है, तीनों से भिन्न है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्या है, टी शर्ट है, ये क्या है, टी शर्ट है, क्या है, बंडी है, ये क्या है, फुल पैंट है, क्या है, कोट है। तो बच्चों देखो तीनों क्या है, ए बी और डी क्या है, सब ऊपर पहने जाने वाले हैं, और लेकिन ये पैंट क्या है बच्चों, नीचे पहने जाने वाला है। तो मतलब तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाग 2। चलिए देखिए बच्चों भाग 2 क्या दिया है, निर्देश भाग 2 का। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्रों के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए उमार चित्र का उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5। देखिए बच्चों 5 में थोड़ा सा सॉरी, देखिए 5 में थोड़ा सा ये अस्पष्ट दिख रहा है बच्चों,
प्रश्न संख्या 5 में थोड़ा सा अस्पष्ट दिख रहा है। देखिए इसमें क्या दिया है बच्चों, चार भुजा है, चार चार सब में चार चार है, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा अस्पष्ट होने के कारण इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। भाग तीन देखिए बच्चों क्या दिया है। प्रश्न संख्या 9 से 12 में दाईं ओर एक चिन्ह प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर प्रश्न की एबीसी तथा डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता कर लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए चित्र को लुप्त भाग में बैठाया जा सके। उसके उत्तर के दर्शाने के लिए उमार तृतीया में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, इसमें चित्र बना है, उसमें एक भाग लुप्त है, वही लुप्त भाग आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों यहाँ तीन कोना दिया गया है, एक कोना यही लुप्त है, आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए आमने सामने यहाँ पे क्या है, दोनों बिंदी है और थोड़ा सा यहाँ क्या है क्रॉस टाइप बना है, तो अगले वाले पे भी क्या होगा बच्चों, इसी टाइप का ऐसे बनेगा और एक तीर लगा रहेगा। देखिए इस टाइप का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, देखिए ये तो बिंदी है, ये तो हो नहीं सकता है। अब बी वाला देखिए बच्चों, देखिए क्रॉस करके ऐसे बना है आपका, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों 10 में देखिए क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे आपको अब एक भाग आपका खाली दिया गया है, अब इसको पैटर्न को क्या करना है बच्चों, पूरा करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये आमने सामने क्या है, दो क्रॉस रेखाएं हैं, और इसमें क्या है बच्चों, एक ही रेखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी क्या होगा बच्चों, एक ही रेखा ऐसे आएगी, पूरा होगा ऐसे करके। देखिए इसको आप बनाएंगे तो ऐसे जाएगा पूरा ब्लैक टाइप का। ठीक है, अब अगला भाग देखिए बच्चों, ये यहीं पे ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जाके यहाँ पे खाली हुआ भाग मिलेगा। तो देखिए बच्चों इस टाइप का आकृति कौन सा है, इसमें तीन रेखाएं हैं, तो हो नहीं सकता है बच्चों, इसमें दो हैं जो क्या है बीच में क्रॉस कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ये देखिए बच्चों दोनों लास्ट में मिल रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग में मिल जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। देखिए चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों 11 में क्या है, सब रेखाएं इसी टाइप की खींची गई हैं, इसको इसको ऐसे करके बढ़ा दीजिए, देखिए कौन सी रेखाएं इसको पूरा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, कौन सी रेखाएं इसमें पूरा कर रही हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे तो ये देखिए रेखा बच्चों कितना दिया है, तो क्रॉस कर दे रहा है, उल्टी रेखाएं खींची गई हैं, तो हो नहीं सकता है। अब इसमें देखिए बच्चों कितनी रेखाएं इसमें क्रॉस कर रही हैं, 1 2 3 4 5 मतलब 5 जो है मध्य से गया है, 4 ऊपर है, और 1 2 3 4 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 रेखाएं बच्चों इससे क्रॉस कर रही हैं, और 4 जो है मध्य से गया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए बच्चों कौन सी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 हो जा रहा है इसलिए नहीं है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ऐसे भाग बना हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा,
आपका यहाँ से ऐसे करके ऐसे बनेगा, और यहाँ से जो रेखाएं गई हैं बच्चों का क्या कर रहा है देखिए, यहाँ से ऐसे मिल जा रहा है। देखिए ऐसी आकृति किसमें है बच्चों, ये वाली आकृति देखिए बच्चों, इसमें तो नहीं है। देखिए ना तो ये बना रही है ऐसी आकृति, देखिए बच्चों 12 का हमारा ये वाली दोनों आकृति सेम दिख रही है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं भाग चार। देखिए बच्चों भाग चार क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चिन्ह चित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में को पूरा करने के लिए उपलब्ध उपलब्ध चित्र का चयन करें जिसमें उत्तर चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापन किया जा सके। अपने उत्तर को दिखाने के लिए वार्षिक पत्रिका में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। देखिए बच्चों क्या है आपको इसमें बताना है कि देखिए ऐसे था, दोनों क्या किया है पूरी तरह से कितना 180° पे रोटेट कर गया है, तो ये बच्चे ये वाला भी बच्चों 180° पे रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा और ये वाला भाग नीचे चला जाएगा। इसमें देखिए बच्चों ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला भाग ऊपर जाएगा, इस ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी बच्चों देखिए यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 180 रोटेट कर गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। यह क्या बच्चों, एक छुरा है, तलवार है, भाला है। छुरा था तो क्या हो गया बच्चों, तलवार हो गया। अब यहाँ पे भाला है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कमल तो होगा नहीं, जग भी नहीं होगा और सरवता भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर परसु, ये वाला ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों 15 में क्या दिया है, यहाँ तो क्या था बच्चों, एक रेखा थी, अब इसको कितना अंश पे रोटेट कर दिया गया है, देखिए बच्चों एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करके 135 अंश रोटेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे हो गया है। अब बच्चों इसको भी एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एंटी क्लॉक वाइज 135 अंश, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपकी रेखा ऐसी हो जाएगी और ये वाला देखिए दोनों कितने एक थे तो दो हो गए हैं, यहाँ कितना है बच्चों 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 4 में कहाँ हो जाएंगे बच्चों चारों, देखिए 100 जब इसको 135 अंश रोटेट कराएंगे तो कितना कौन सा आएगा बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे 135 अंश जब इसको रोटेट कराएंगे तो कैसी कैसी रेखाएं आएंगी आपको, ये देख लीजिए आप, ऐसी रेखा बनेगी, सॉरी इसको 135 अंश रोटेट कराए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे था 90 अंश, अब इसको पूरा भाग यहाँ से यहाँ आ गया है और ये वाला भाग यहाँ चला गया है। ठीक है यहाँ से 90 यहाँ हुआ और 45 इधर, 135, अब इसको बच्चों 135 घुमाएंगे तो 90 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक 90 होगा, फिर 90 से 45 यहाँ हो जाएगा, मतलब आपको ऐसे हो जाएगा और ये रेखाएं ऐसे हो जाएंगी उसके अंदर, चार गोला बन जाएगा। तब देखिए बच्चों ऐसे कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है, ये तो सही नहीं है, ये बच्चों क्या है ऊपर बना हुआ है जो गोला है,
ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ताला है, ताला का क्या है, चाबियां, हथौड़ा है, हथौड़ा कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा बच्चों, कमल पे तो किया नहीं जाएगा, अंगूर पे भी नहीं किया जाएगा, पौधे पे भी नहीं किया जाएगा, पेचकस। जैसे ताला का संबंध चाबी से है, वैसे हथौड़े का संबंध किससे हो जाएगा बच्चों, पेचकस से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाग 5। तो देखिए बच्चों, भाग 5 में क्या दिया गया है, देखिए बच्चों भाग 5 क्या है, प्रश्न संख्या, भाग 5 प्रश्न संख्या 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों को सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न सेट के दोनों चिन्ह चित्रों में से एक चित्र संबंध संबंध है, इसी इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, प्रश्न चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वो मार्ग प्रतिक्रिया में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो चलिए बच्चों देखिए, जैसे देखिए क्या बच्चों, दीप है तो क्या हुआ है, स्टैंड पे हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 17 का देखिए बल्ब है तो कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये दो बल्ब तो है नहीं, ये क्या हुआ है बच्चों, स्टैंड पे हो गया है, इसको स्विच में लगा दिया गया है बल्ब को भी, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ए सी है, मतलब एक छोड़कर है, बी छोड़ के सी है, तो इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या आता है, पी, पी को छोड़ के बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बी छोड़ दिया गया है, तो यहाँ ओ के बाद पी आता है, पी छोड़ के क्यू हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक वृत्त था तो क्या हो गया है, दो वृत्त, तो यहाँ क्या है, चतुर्भुज है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दो चतुर्भुज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो वर्ग, सॉरी वर्ग, तो यहाँ पे दो वर्ग कौन सा है बच्चों, ये तो है नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 19 का 20 बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है बच्चों, देखिए क्या है, यहाँ पे आयत था और यहाँ पे क्या लगा है, माइनस का चिन्ह, तो आयत को फिर यहाँ क्या कर दिया गया बच्चों, आयत उसके ऊपर क्या कर दिया है, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ क्या है बच्चों, वृत्त है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, वृत्त बन जाएगा, अब वृत्त के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का चिन्ह, तो कौन सा सब बीच में तो है नहीं, ना तो नीचे है ना तो यहाँ पे ये यह है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं भाग 6। भाग 6 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 23-24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABC और D के से दर्शाया गया है, दाईं ओर के चित्र के ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMAR उत्तर पुस्तिका के प्रश्न को संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, ये कटा हुआ भाग है, तो अब इसको बच्चों आप पूरा करेंगे, देखिए ऐसे खींच के ऐसे, तो आप देखिए कौन सा भाग बच रहा है, तो ये भाग कैसे बन रहा है बच्चों, देखिए मतलब आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे हो रहा है, फिर नीचे दब रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर ऐसे जाके मिल जा रहा है,
अब इस तरह के देखिए बच्चों, कौन सी आकृति आपकी है, ये वाली आकृति का कौन सी दिख रही है ऑप्शन नंबर, ये यहाँ तो दबा हुआ है लेकिन ये वाला भाग देखिए बच्चों, ये वाला भाग क्या है बच्चों, छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही नहीं होगा। ये वाला भाग देखिए बच्चों, ज़्यादा दबा है, ज़्यादा उठा है, तो ये वाला भी सही नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों, इस वाली आकृति से सेम सी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, अब इसको यहाँ से अगर मिला देंगे ऐसे करके तो कौन सी कैसी आकृति बन रही है बच्चों, पंचभुज जैसी, तो ये तो हो नहीं सकती है ना, तो ऐसी आकृति है बच्चों, ना तो ये टेढ़ी है ना तो ऐसी ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 वाला देखिए बच्चों क्या दिया गया है, आप अगर इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे नहीं बच्चों, देखिए अब देखिए बच्चों आपको इसको वर्ग बनाना है, तो ऐसे आप और इसको करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे अगर बढ़ा देंगे तो देखिए कैसी आकृति मिल रही है आपको, मतलब देखिए बच्चों यहाँ पे ये वाला भाग दिख रहा है ना, लेकिन ये वाला भाग क्या है बच्चों, यहाँ पे ये वाला भाग क्या है, पतला है ये वाला भाग, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आप इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वर्ग बन रहा है बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, देखिए बच्चों 24 में अगर आप 24 में बच्चों यहाँ से ऐसे इसको मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, एक वर्ग, देखिए बच्चों ये कौन सा किस टाइप का आकार दिख रहा है जो इसको पूरा कर रहा है वर्ग को, देखिए आपका ऐसे कर रहा है, यहाँ से देखिए ऐसे हो रहा है, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, फिर त्रिकोण ऐसे आके ऐसे होके ऐसे मिल जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पे दोनों भाग क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ये ऊपर वाला भाग बड़ा है और नीचे वाला ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यहाँ पे दोनों बराबर थे इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए बच्चों बी क्या है, सेम इसी टाइप का दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आगे देखिए चलिए भाग 7, देखिए भाग 7 क्या दिया गया है बच्चों, भाग 7 प्रश्न संख्या 25 से 28 में वायु और प्रश्न उचित दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी तथा डी के चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं, किसी दर्पण को वाई जेड के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र के चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वार्षिक पुस्तिका में आपको काला करना है। ठीक है बच्चों, तो आपका एक चित्र दिया गया है उसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 25 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों, देखिए ये वाला भाग आपका ये यहाँ पे सटा हुआ रहेगा ऐसे करके, अब दोनों भाग यहाँ पे कैसे आ जाएंगे बच्चों, ऐसे आपका आएगा जब तो 1 2 ऐसे होगा, तो ए वाली रेखाएं ऐसे करके यहाँ पे हो जाएंगे, एक खाली वाला हो जाएगा और ए वाली रेखाएं बच्चों ऐसे करके हो जाएंगे और बीच में चला जाएगा। अब आपको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 25 का, देखिए बच्चों यहाँ पे रेखाएं सेम दिख रही हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ए वाला रेखाएं दोनों आपस में चेंज हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों सीधी रेखाएँ दे दिया है, तो सीधी रेखाएँ यहाँ तो है नहीं और ये भी यहाँ पे सीधी रेखाएँ दिया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका एक त्रिभुज ऐसे सेम आकृति क्या बनेगा जो है,
देखिए बच्चों, जो यहाँ पे सटा हुआ है ऐसे बन जाएगा आपका ये, और ये वाला भाग इधर चला आएगा ऐसे करके, और रेखाएं ऐसे ही खींची जाएंगी, नीचे प्लस ही बना रहेगा। तो देखिए बच्चों, इस टाइप की आकृति कौन सी दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, दोनों यहाँ तीर तो दिया नहीं है, ये गलत है। बी देखिए बच्चों, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी डी देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए बच्चों, एक सटा हुआ ही भाग रहेगा और इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे प्लस बना ही रहेगा। और ए वाला भाग देखिए बच्चों, यहाँ से आपका ऐसे घूम जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये वहाँ पे ऐसे बनेगा ऐसे प्लस, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता है। बी बच्चों देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ए वाला प्रतिबिंब दूर भागता दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसको मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे एक वृत्त है, ये वाला दूर चला जाएगा, ये दूर पे दूरी पे आ जाएगा, और ये वाला हाथ सटा रहेगा, ये वाला थोड़ा दूर पे सीधा ही रहेगा। देखिए बच्चों, दोनों यहाँ पे टेढ़ा दिया गया है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसमें भी बच्चों देखिए, दोनों टेढ़ा दिया गया है, ये भी गलत है। अब सी देखिए बच्चों क्या है, ये वाला भाग सटा रहेगा, लेकिन इसमें ए वाला भाग सटा दे दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है बच्चों। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, देखिए बच्चों, डी ए वाला भाग यहाँ पे है और ए वाला भाग यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं भाग 8। देखिए बच्चों क्या दिया है भाग 8, प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को इस प्रकार पंच किया गया है कि ए बी सी तथा डी के चिन्हित 4 विकल्प दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तरह हत्ता को खोलने पर किस प्रकार के दिखेगा, वैसा ही उत्तर चित्र के चुने तथा दर्शाने के लिए मार्कशीट पुस्तक के आपको गोला करना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वर्ग टाइप दिया गया है, अब उस पहले इसको आधे से फोल्ड कर दिया गया है यहाँ से, अब फिर जो आधा भाग बचा है फिर उसको आधे से फिर फोल्ड कर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे एक चौथाई भाग बचा है, तो यहाँ पे एक ऐसे कटिंग कर दिया गया है और एक यहाँ पे गोला कर दिया गया है। जब आधे भाग को खोला जाएगा बच्चों, क्या आएगा, एक यहाँ से ऐसे आपको मिलेगा और यहाँ पे एक गोला बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जब फिर इसको पूरा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक भाग यहाँ पे ऐसे कटिंग मिलेगा, यहाँ पे ऐसे कटिंग मिलेगा और एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, मतलब 4 गोले और एक दूसरे को, ये वाला बच्चों हो ही नहीं सकता है। दोनों तीनों चारों जो त्रिभुज दिए हैं अलग अलग दिए गए हैं, और ये बच्चों देखिए जो कटा हुआ भाग है सभी एक साथ दिया गया है, जो कि क्या है, आमने सामने है, जो त्रिभुज का भाग दिख रहा है उसी के सामने है। ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों, 4 गोले हैं जो दोनों यहाँ से कटे हुए थे, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, ये भी एक वर्ग टाइप का है, पहले इसको आधे से यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, फिर आधा भाग, फिर आधे को फोल्ड कर दिया गया है, यहाँ से एक कोने कोना क्या कर दिया, काट के निकाल दिया गया है। अब देखिए बच्चों, जब ये वाला भाग खुलेगा तो यहाँ भी ऐसे कट के एक कटा हुआ भाग रहेगा, जब इसको पूरा खोला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ये किसी टाइप का यहाँ भी ऐसे कटा हुआ भाग रहेगा, बाकी ऐसे करके पूरा वर्क टाइप रहेगा, लेकिन ऐसे बीच में कटा हुआ ऐसे वर्क टाइप रहेगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बीच का भाग कटा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्रॉस का कटा हुआ है। देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी,
यही भाग कटा हुआ सब में, तो बीच वाला भाग क्या हुआ बच्चों, कटा गया, कटा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आगे देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एक खष्ठभुज है, खष्ठभुज है, इसके आधे भाग को सीधे ऐसे यहाँ से मोड़ा गया है, फिर जो आया है दोनों के यहाँ यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया है अंदर की तरह। देखिए बच्चों यहाँ से एक भाग काटा गया है और एक ऊपर से काटा गया है। जब ऊपर वाला खोला जाएगा बच्चों तो क्या होगा, ऊपर वाला ऐसे यहाँ पे तो ऊपर वाला बनेगा ऐसे और नीचे वाले पे नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ बना है तो यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ भी बनेगा बच्चों ऐसे ऊपर, और ये वाला भाग जब इसे खुलेंगे तो यहाँ भी ऐसे बनेगा, ठीक है, और नीचे वाले भाग पे नहीं रहेगा। तो देखिए बच्चों इस तरह की आकृति कौन सी दिख रही है, देखिए यहाँ पे दो 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 गोले हैं, दोनों सटे हुए रहना चाहिए। देखिए बच्चों क्या है, छोटा छोटा है, छोटा तो नहीं होगा, छोटा एक यहाँ पे है एक ऊपर है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा, और नीचे वाले भाग पे तो है ही नहीं, यहाँ पे देखिए नीचे वाला दे दिया गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों भाग जब खुलेगा तो दोनों एक दूसरे में मिलके क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बच्चों 32 में क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ से इस भाग को फोल्ड कर दिया गया है, फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया गया है, ये क्या बन गया है बच्चों, पंचभुज। अब यहाँ से इसके एक छोटा सा खष्ठभुज काटा गया है, और यहाँ से जब इसको खोला जाएगा बच्चों तो एक यहाँ पे आ जाएगा खष्ठभुज और एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे एक देखिए बच्चों यहाँ पे मोड़ा गया, इसका मतलब यहाँ के नीचे नहीं आएगा ये भाग, इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इसके साइड में, इसको जब खोलेंगे बच्चों यहाँ पे भी आकृति है इसके साइड में ही आएगी, इसके साइड में दोनों के। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, दोनों नीचे ही बराबर में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए डी वाला, चार आकृति तो बनेगी बच्चों और दोनों एक दूसरे के साइड में रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं भाग 9। भाग 9 क्या दिया है बच्चों, प्रश्न संख्या 33 से 36, दाई ओर प्रश्न संख्या दिया गया है तथा दाई ओर एबीसीडी और डी चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हों, उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे उत्तर चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। उत्तर आकृति दर्शाने के लिए आपको उसमें क्या मार्ग में गोला करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आपको बताना है कि इन तीनों आकृतियों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये वाला भाग और ये तीन भाग दिए गए हैं। अब इसमें देखिए बच्चों ये दोनों भाग क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों सेम नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है, इसलिए ये भाग नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें तीन ही है, इसमें चार दे दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, भाग सी वाला भाग देखिए, इसको ज्यों का त्यों एक हो गया, ये देखिए बच्चों एक हो गया, ये यहाँ पे रखा गया है, और दूसरा भाग देखिए बच्चों ए वाला देखिए यहाँ पे रखा गया है, और तीसरा भाग देखिए बच्चों यहाँ पे रखा गया, इसका मतलब तीनों है, इसमें क्या है, तीनों मिलके बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, अब चार आकृतियाँ दी गई हैं, अब चारों आकृतियों को हमको बताना है कि चारों आकृतियों का यूज करके
क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बनाया जा सकता है। देखिए बच्चों, सब एक दूसरे को जब जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए अब किस तरह से आपको इसको जोड़ना है। ये वाला भाग देखिए उठा के आप यहाँ रखेंगे, देखिए इतना वाला भाग, ये वाला भाग एक हो गया, ये वाला भाग एक हो गया। बाकी बच्चों देखिए इसके आगे तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये छोटे हैं, ये सब बड़े में है। अब यहाँ पे अभी यहाँ तक बच्चों एक भाग हो गया। अब दूसरा देखिए, ये वाला भाग बच्चों देखिए इसके आगे जोड़ा गया है कहाँ पे, देखिए बच्चों इसके आगे ये वाला भाग यहाँ से ऐसे करके जोड़ा गया है, और ये वाला भाग यहाँ से ऐसे करके जोड़ा गया है, और ये वाला भाग यहाँ से। देखिए बच्चों चारों आकृतियाँ इसमें क्या है, सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बच्चों 35 में क्या है, चार चित्र दिए गए हैं, चारों को मिला के हमको बनाना है कि कौन सी आकृति बनती है। अब इसमें देखिए बच्चों, ए वाली आकृति कहीं पे दिख, इसमें देखिए कोई आकृति ऐसी नहीं है, इसलिए ए वाली ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। देखिए इसको मान लीजिए एक, इसको एक मान लीजिए, इसको दो, इसको तीन, इसको चार। देखिए इसमें बच्चों क्या है, इसमें देखिए बड़ा वाला भाग, देखिए छोटा वाला भाग यहाँ पे है, ये वाला भाग, देखिए बच्चों ये वाला भाग यहाँ पे है, और ये वाला भाग यहाँ पे यूज हुआ है, और ये वाला भाग यहाँ पे हुआ है, और ये वाला भाग यहाँ पे हुआ है यूज। कौन सा ऑप्शन 35 का हमारा ऑप्शन बी बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 35 में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बच्चों क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक चतुर्भुज और एक वृत्त। अब हमको इसको चारों को देखना है किसमें चारों मिल रहे हैं। देखिए ये वाला भाग बच्चों यहाँ तो दिख रहा है, ये वाला भाग नहीं दिख रहा है, ये वाला भाग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब इसमें देखिए बच्चों, ये वाला भाग यहाँ तो दिख रहा है, और ये वाला भाग बच्चों देखिए ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाला भाग बच्चों देखिए नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हो गया। देखिए इसमें ये वाला भाग बच्चों देखिए यहाँ पे ऊपर है, ये वाला भाग यहाँ पे है, और ये वाला भाग यहाँ पे है, और ये वाला भाग के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया बच्चों, सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट भाग है ये बच्चों, भाग 10। तो ये देखिए क्या दिया है भाग 10 में बच्चों, प्रश्न संख्या 37 से 40 में दाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा दाईं ओर ए बी सी और डी के चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित, तथा उसमें उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार पुस्तिका के प्रश्न संख्या को सामने वाले वृत्त को काला करें। तो बच्चों इसमें बताना है कि ए वाली आकृति किसमें छिपी हुई है। ठीक है,
तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें सही होता है बच्चों। तो हमको बताना है कि मतलब ए वाली आकृति कहाँ पे हमको इसमें किस आकृति में छिपी हुई है। देखिए बच्चों ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर क्रॉस है, इसमें तो क्रॉस दिख नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा। अब इसमें देखिए बच्चों दोनों क्या है, बड़ी रेखाएं हैं, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, ए वाली देखिए दोनों बड़ी हैं, इसमें ए वाला तो समान रेखा है, ये वाला तो क्या है बच्चों बड़ा दिया गया है। इसलिए बच्चों ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये वाली पूरी आकृति इसमें चिन्हित है। देखिए ये वाला रेखा यहाँ पे है, ये वाली रेखा यहाँ पे है, और बीच में क्या है गोला है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 देखिए बच्चों, ए वाली आकृति हमको बताना है किसमें छिपी हुई है। देखिए ए वाली रेखा तो यहाँ पे है, ए वाली देखिए बच्चों, ए वाली रेखा तो यहाँ पे है, और ए यहाँ से क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है, लेकिन ये क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ तक आया है ऐसे सीधे, फिर यहाँ से ऐसे हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या है, निहित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए बच्चों, बी में यहाँ पे तो है ये वाली आकृति, देखिए यहाँ पे लेकिन आगे देखिए बच्चों यहाँ से क्या हुआ है, नीचे आके इसमें दिया नहीं है, तो इसे ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है, छोटा भाग ऐसे खींचा गया है, अंदर जाके पूरा ना नहीं मिला है, कि यहाँ से ऐसे आके फिर ऐसे यहाँ पे जाके मिल गया है, और बहुत छोटा है, पूरा ये जाके इसमें नहीं मिला है, ये वाली रेखाएँ जो हैं बड़ी हो गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। अब देखिए डी वाला बच्चों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे उठा है, फिर यहाँ से क्या आया है, नीचे आया है, देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से बच्चों देखिए यहाँ पे आके मिल रहा है। अब इसमें भी देखिए बच्चों, यहाँ से ऐसे आया है, फिर यहाँ से यहाँ पे आके देखिए यहाँ से ऐसे गया है, यहाँ से देखिए ऐसे गया है, फिर यहाँ से आके मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है बच्चों, ओम बना हुआ है, ओम टाइप का, देखिए इस टाइप का बना हुआ है, देखिए किसमें बच्चों नहीं थे, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो है नहीं। अब इसमें भी बच्चों देखिए, इसमें भी क्या है 39 कक्ष में क्या भी बच्चों, इसमें भी नहीं है। अब इसमें देखिए उल्टा है, इसमें जो है ओम, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए बच्चों, देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है। ठीक है चल नहीं रहा है इसके, और देखिए बच्चों फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये वाला भाग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे आया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 39 का सी सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं बच्चों, चालीस में देखिए बच्चों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। अब देखिए चालीस में बच्चों सीधे देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से देखिए 40 वाले में, यहाँ वाले देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला भाग ऐसे आया, फिर इतना तक हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे गया है, यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है अब इसमें सब में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।